the topic we will be discussing in this video is phagocytosis so phagocytosis jo ki ek final step hota hai kisi bhi inflammatory response ka usko hum log discuss karenge ye phagocytosis perform karne ka jo kaam jo cells karti hai unko hum log phagocytes kehte hain total two major phagocytes देखे जाते हैं हमारे body के अंदर that is neutrophils and macrophages steps of the phagocytosis को हम लोग total teen steps में divide करते हैं। सबसे पहले होता है recognition and attachment जो कि उस मॉलिक्यूल का होता है जिसको हम लोग को इंजेस्ट करना है तो रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल दैट इज गोइंग टू बी इंजेस्टेड दैट इज द जनरली द स्ट्यूमलस सेकेंड स्टेप होता है इंगल्फमेंट एंड थर्ड स्टेप होता है किलिंग ऑफ द ऑफेंडिंग एजेंट सो वो जो ऑफेंडिंग एजेंट है उसका सबसे पहले रिकॉग्निशन और उसका अटैचमेंट होगा फिर उसका इंगल्फमेंट होगा और उसके बाद उसकी किलिंग होगी ये तीन स्टेप्स में फैगोसाइटोसिस को परफॉर्म किया जाता है सबसे पहला स्टेप हम लोग देखेंगे दैट इज रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट करने के लिए सिंपल सी बात है अगर हमें रिकॉग्नाइज करना है किसी चीज को तो हमारे पास रिसेप्टर होना चाहिए तो हमारे फैगोसाइट्स के पास जनरली तीन टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं मैनोज रिसेप्टर स्केवेंजर रिसेप्टर एंड रिसेप्टर फॉर ऑप्सोनेस इन तीनों रिसेप्टर्स का काम क्या होता है ये हम लोग देखेंगे जो मेनोज रिसेप्टर होता है बाइंड करता है मेनोज एंड फ्यूकोज रेसिड्यूज ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन एंड द ग्लाइकोलिपिड ऑन द माइक्रोबियल सेल वॉल माइक्रोबियल सेल वॉल पे प्रेजेंट ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में जो मेनोज एंड फ्यूकोज रेसिड्यूज हैं उन पे बाइंड करता है हमारे फैगोसाइट का मेनोज रिसेप्टर यह मेनोज रिसेप्टर सिर्फ इन्हीं पर बाइंड करता है इस ये, इस वजह से यह मेमेलियन सेल वॉल पे अटैक नहीं कर पाता है क्योंकि जो मेमेलियन वॉल की जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का कंटेंट है वो है साइलिक एसिड एंड एंड एसिडिल ग्लूकोजेमाइन और ये सैलिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइंड पे क्योंकि ये मेनोज रिसेप्टर बाइंड नहीं करता है इस वजह से यह मेमेलियन वॉल या फिर होस्ट सेल वॉल को कोई डैमेज नहीं प्रोवाइड करता है सेकेंड जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है फैगोसाइड पर उसको हम लोग कहते हैं स्केवेंजर रिसेप्टर ये स्केवेंजर रिसेप्टर जो होता है वो बाइंड करता है ऑक्सीडाइज और एसिटाइलेटेड एल डी एल पार्टिकल्स के साथ और वेराइटी ऑफ माइक्रोब्स के साथ जाकर के ये बाइंड करता है नॉर्मल एलडीएल पार्टिकल्स जो कि एलडीएल रिसेप्टर से बाइंड करते हैं वो एल डी एल पार्टिकल्स एल डी एल रिसेप्टी पार्टिकल्स लेकिन जो एबनॉर्मल लाइक ऑक्सीडाइज और एसिडाइलिएटेड एल डी एल पार्टिकल्स होंगे और कुछ ऑफ माइक्रोब्स होंगे वो स्केबेंजर रिसेप्टर्स से जाकर के बाइंड करेंगे जो कि फैगोसाइड पर प्रेजेंट होता है थर्ड टाइप का जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं रिसेप्टर फॉर सी सबसे पहले ये रिसेप्टर फॉर है तो सिंपली ये ऑप्शन से जाकर के बाइंड करेगा ये ऑप्शन होते क्या हैं ऑप्सन कुछ कोटिंग होता है जो कि माइक्रोब्स के ऊपर प्रेजेंट होता है या फिर ये एक ऐसा कोटिंग होता है जो कि माइक्रोब के ऊपर किया जाता है ताकि वो इजिली फैगोसाइटो उसको उसका इजली फेगोसाइटोसिस किया जा सके मतलब माइक्रोब को और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए फैगोसाइटोसिस के लिए एक कोटिंग किया जाता है उसके ऊपर ऑप्सनिन्स का ये ऑप्सनिंस का कोटिंग हमारी बॉडी खुद करती है उसके ऊपर कुछ ऑप्सोन जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर दैट इज़ एफ सी फ्रेगमेंट ऑफ द आईजीजी आईजीजी का जो एफ सी फ्रेगमेंट होता है आईजीजी एंटीबॉडी का जो एफ सी फ्रेगमेंट होता है वो ऑप्सोनिन की तरफ वर्क करता है सी थ्री बी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी ऑप्शोनिन की तरफ वर्क करता है कुछ सीरम प्रोटीन्स होते हैं जैसे फेब्रिनोजन हो गया सी रिएक्टिव प्रोटीन हो गया मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन हो गया ये सारे भी ऑप्सोनेन्ट्स की तरफ वर्क करते हैं जो कि माइक्रोब्स के चारों तरफ एक कोटिंग आ, कोटिंग बना देते हैं ताकि उस माइक्रोब्स को ईजिली फैगोसाइटोसिस किया जा सके और ये जो ऑप्शनेंस होते हैं उनके रिसेप्टर्स क्योंकि उनके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है हमारे फैगोसाइट के अंदर इसलिए इनका इजिली फैगोसाइटोसिस हो जाता है तो ये था सबसे पहला स्टेप दैट इज रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं दैट इज इंगल्फमेंट सेकेंड स्टेप जो कि फैगोसाइटोसिस का इंगल्फमेंट इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले रिसेप्टर्स पे जाकर के माइक्रोब्स जो कि अटैच हो चुके हैं बाय रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट इसके बाद जाकर के क्या होता है कि ये जो हमारे फैगोसाइट होते हैं फैगोसाइट्स के अंदर सीडोपोर्ट्स का फॉर्मेशन होता है ये जो सीडोपोर्ट का फॉर्मेशन होने की वजह से मतलब कुछ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशनस होते हैं जो कि सीडोपोर्ट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है जिस वजह से जो माइक्रोब्स और उनके साथ जो रिसेप्टर्स है ये माइक्रोब्स जो होता है वो साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस के थ्रू इसको अंदर की तरफ पिंच ऑफ कर दिया जाता है और जैसे ही इसको अंदर की तरफ पिंच ऑफ कर दिया जाता है ये एक फैगोसोम के फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट हो जाता है इस फैगोसोम पे उसके बाद लाइजोजोम अटैक करता है और फॉर्मेशन होता है कॉम्प्लेक्स का जिसको हम लोग कहते हैं फैगोलाइजोजोम ये फैगोलाइजोजोम का फॉर्मेशन होने के बाद फाइनली फाइनल स्टेप की तरफ ये मूव करता है फैगोसाइटोसिस का दैट इज किलिंग अब फाइनल स्टेप ऑफ द फैगोसाइटोसिस होता है जिसको हम लोग कहते हैं किलिंग किलिंग जो कि फाइनल स्टेप है ये जो फैगोसाइड्स uh, के अंदर होता है ये तीन तरीके से हो सकता है बाय द हेल्प ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज दैट इज आर ओ एस बाई द हेल्प ऑफ रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज दैट इज आर एन एस ये जो रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज होते हैं ये मेनली डिराइव्ड होते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड से और ये इंक्लूड करते हैं मेनली परोक्सी नाइट्राइट को और तीसरा जो मेथड होता है जिससे किलिंग हो सकता है जिसको हम लोग कह सकते हैं ऑक्सीजन इनडिपेंडेंट किलिंग जो कि एक्चुअली बाय द हेल्प ऑफ लाइजोजोमल एंजाइम्स होता है तो ये थड से किलिंग परफॉर्म हो सकता है किसी भी फैगोजोम का किसी भी फैगोसाइट के अंदर सबसे पहला स्टेप हम लोग सबसे पहला मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे किलिंग का दैट इज बाय रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज इस स्टेप के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो एक मल्टी कॉम्पोनेंट ऑक्सीडेज सिस्टम होता है जिसको हम लोग एनएडीपीएच ऑक्सीडेज कहते हैं ये एनएडीपी एच ऑक्सीडेज जो होता है ये एक फैगोसाइटिक वैक्यूल ये एक फैगोसाइटिक वैक्यूल के अराउंड ये इसका असेंबली और एक्टिवेशन होता है इस एंजाइम का एन एक फैगोसाइटिक वैक्यूल के मेम्ब्रेन पे आता है प्रेजेंट होता है ये कैसे प्रेजेंट होता है इसका असेंबली कैसे होता है तो इसके दो कॉम्पोनेट होते हैं एक साइटोप्लाज्मिक ऑक्सीडेज और एक मेम्ब्रेन ऑक्सीडेज मेब्रेन ऑक्सीडेस जो होता है वो फेगोसाइटिक वैक्यूल पर वैसे का वैसा प्रेजेंट होता है पहले से ही जैसे ही माइक्रोब्स का एंट्री होता है तब जाकर के ये जो साइटोप्लाज्मिक ऑक्सीडेज है ये साइटोप्लाज्मिक ऑक्सीडेज जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है वो माइग्रेट करता है टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन ऑफ द फैगोसाइटिक वैक्यूल और तब जाकर के असेंबली एंड एक्टिवेशन होता है किसका एक पूरे कॉम्प्लेक्स का जिसको हम लोग कहते हैं एनएडीपीएच ऑक्सीडेज अब ये जो एनएडीपीएच ऑक्सीडेज जो कि एक फंक्शनल एंजाइम बना इसका फंक्शन क्या होता है कि ये एनएडीपीएच को ऑक्सीडाइज कर देता है एनएडीपी प्लस में और साथ ही साथ ये रिड्यूस कर देता है ऑक्सीजन को टू सुपर ऑक्साइड तो ओ टू दैट इज ऑक्साइड को ये सुपर ऑक्साइड में रिड्यूस कर देता है ऑक्साइड जब सुपर ऑक्साइड में जाकर के रिड्यूस हो जाता है उसके बाद जाकर के इस वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये सुपर ऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया जाता है हाइड्रोजन परॉक्साइड में ये हाइड्रोजन परॉक्साइड कुछ और एंजाइम्स दैट इज माइलो पर प्रेजेंस में और क्लोराइड एंजाइम क्लोराइड आयन के प्रेजेंट में प्रेजेंस में हाइड्रोजन परऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है हाइपोक्लोराइट में और यह जो हाइपोक्लोराइट होता है फाइनली इसका फंक्शन एंटी माइक्रोबियल होता है मतलब यह हेलोजिनेशन और लिपिड परऑक्सीडेशन मेथड से माइक्रोब्स को किल करने का काम करता है यह जो हाइड्रोजन परऑक्साइड बीच में बना था वो हाइड्रोजन परऑक्साइड Fe+2 के प्रेजेंस में एच OH माइनस में कन्वर्ट हो जाता है फेगोसाइटिक वैक्यूल के अंदर तो मेनली हम लोग को हाइपोक्लोराइड बनाना था जो कि एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है जो कि एंटी माइक्रोबियल फंक्शन परफॉर्म करता है ये जो पूरा स्टेप होता है जिससे फाइनली माइक्रोब का डेथ हो जाता है इस पूरे स्टेप को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी बर्स्ट तो ये हमने रेस्पिरेटरी बर्स्ट देखा बाई रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो होता है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज अपना एंटी माइक्रोबियल एक्शन परफॉर्म करने के बाद हो सकता है कि कुछ अमाउंट में एक्स्ट्रा सेलुलरली ये रिलीज हो जाए फॉलोइंग द रेस्पिरेटरी बर्स्ट मतलब रेस्पिरेटरी बर्स्ट हुआ जिस वजह से माइक्रोब्स डेथ हुए बट हो सकता है कुछ लीकेज हो जाए रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का सराउंडिंग सेल्स में एक्स्ट्रा सेलर इन्वायरमेंट में इस वजह से ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हमारे नॉर्मल टिश्यूज को भी डैमेज कर सकती है और इन्फ्लेमेशन हो सकता है इन नॉर्मल टिश्यू को डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं कि अगर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का लीकेज होता भी है तो उसको प्रिवेंट किया जा सके नॉन एंटी से लाइक like हमारे बॉडी के अंदर पहले से प्रेजेंट होता है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस कैटेलिस ग्लूटाथैन पर सेरुलोप्लाजमिन सैरुलो ट्रांसफेरिन ये सारे एंटी हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं जो कि इन लीकड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज से बचा सके एक क्लिनिकल कंडीशन हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्रोनिक डिजीज इस कंडीशन के अंदर ऑक्सीडेज की इनहेरिटेड ऑक्सीडेजी हो जाती है और इसकी डिफिशियंसी होने की वजह से ये एक जो डिसऑर्डर होता है वो एक्स लिंक्ड एक्सलिंग डिसऑर्डर है 75 परसेंट केसेस में और 25 परसेंट केसेस में ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है तो इस डिसऑर्डर के अंदर एनएडीपी ऑक्सीडेज की इनहेरिटेड डिफिशियंसी हो जाती है और क्योंकि एनएडीपी ऑक्सीडेज मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स का ही इनहेरिटेड डिफिशियंसी हो जाएगा इस वजह से Uh, जो रेस्पिरेटरी बस्ट फिनोमिना है जो कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के थ्रू किलिंग uh, uh, का जो फिनोमिना है वो नहीं हो पाएगा जिस वजह से जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन विथ कैटलियस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म सो ये क्लिनिकल कंडीशन था जिसको हम लोग कहते हैं क्रोनिक ग्रनुलेटस डिजीज सेकेंड जो मेथड होता है किलिंग का वो होता है बाई रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज सी रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज में मेनली जो नाइट्रोजन स्पीज पार्टिसिपेट करती है वो होती है परॉक्सी नाइट्राइट जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड्स का डेरिवेटिव होती है नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में हम लोग देखते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड एक कलरलेस ओडरलेस और सोल्यूबल गैस होती है इसको हम लोग ईडीआरएफ भी कहते हैं ई डी आर एफ दैट इज एंडोथिलियल डिराइव्ड रिलैक्सेशन फैक्टर इसको हम लोग ईडीआरएफ भी कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड को और ये नाइट्रिक ऑक्साइड का सिंथेसिस आर्जिनिन से होता है मीन्स आर्जिनिन जो होता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस एंजाइम के प्रेजेंस में बाई सीजीएम पी पाथवे कन्वर्ट होती है नाइट्रिक ऑक्साइड में ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस एंजाइम है ये तीन तरह का होता है दैट इज आई एन ओ एस दैट इज इंडल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस एन एन ओ एस दैट इज न्यूरोनल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस एंड ई एन ओ एस दैट इज एंडीलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस ये आई एन ओ एस जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस होता है ये मोस्ट एक्सप्रेस्ड होता है मतलब सबसे ज्यादा एक्सप्रेस्ड जो एंजाइम होता है जो कि आर्जिन को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है वो आईओ एन एस होता है एन एन एस और ई एन एस भी कुछ कुछ कंडीशंस में एक्सप्रेस होता है लेकिन ये लेस एक्सप्रेस होता है एन एन एस से बनने वाला जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो जनरली नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह वर्क करता है क्योंकि ये न्यूरोनल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस से बनने वाला जो नाइट्रिक ऑक्साइड होगा वो न्यूरो ट्रांसमीटर की तरफ वर्क करेगा जो ई एन ओएस दट इज एंडोथीलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस एंजाइम किस से बनने वाला जो नाइट्रिक ऑक्साइड होगा वो जनरली रिस्पॉन्सिबल होता है वस्कुलर टोन के मेंटेनेंस के लिए इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस से बनने वाला जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो जनरली रेस्पॉन्सिबल होता है माइक्रोबियल किलिंग के लिए इसके बाद इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं तो ये जो आई एस जो कि सबसे ज्यादा एक्सप्रेस होता है मेनली एंटी माइक्रोबियल फंक्शन के लिए दैट इज माइक्रोबिसाइडल एक्शन के लिए ये आई एनओ एस इज इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस जैसे ही स्टूमुलेट होता है बाई इंटरफेरॉन गामा एंड माइक्रोबियल प्रोडक्ट इंटरफेरॉन गामा और माइक्रोबियल प्रोडक्ट जो होते हैं वो इन आ, ये मेडिएटर्स जो होते हैं वो इन इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस को स्टुमलेट करते हैं और इनका एक्टिवेशन करते हैं जैसे इनका एक्टिवेशन हो जाता है तब जाकर के ये आर्जिनिन को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रिक ऑक्साइड में अब साथ ही साथ हमें पता है कि एनएडीपीएच ऑक्सीडेज सिस्टम भी चल रहा है जो कि एनएडीपीएच का ऑक्सीडेशन करवा रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन करवा रहा है ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर रहा है सुपर ऑक्साइड में ये सुपर ऑक्साइड जो कि सुपर ऑक्साइड जो कि बन रहा है एनएडीपीएच ऑक्सीडेज से और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि इंड्यूसेबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस से बन रहा है ये नाइट्रिक ऑक्साइड और ये सुपर ऑक्साइड मिल करके एक रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पेसीज का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम लोग पर नाइट्राइट कहते हैं दैट इज ओ एन डबलओ माइनस तो ये जो परॉक्सी नाइट्राइट होता है इसका भी एंटी माइक्रोबियल फंक्शन होता है या फिर माइक्रोबिसाइडल एक्शन होता है जो कि अटैक करता है और डैमेज करता है लिपिड प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड ऑफ़ द बैक्टीरियाज को जिस वजह से ये माइक्रोब्स को किल करने में सक्सेसफुल होता है तो इस, इस तरह से हमने देखा कि कैसे नाइट्रोजन स्पीशीज भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन स्पीशीज भी कैसे किल uh, कर सकती है माइक्रोब्स uh, को तो फंक्शन ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड को हम लोग इन इन नटसल देखें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका तो है माइक्रोबिसाइडल एक्शन क्योंकि यही नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो सुपर ऑक्साइड के साथ मिलकर के रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज का फॉर्मेशन कर रहा है जो कि माइक्रोबिसाइडल एक्शन परफॉर्म करता है तो पहला फंक्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड का माइक्रोबिसाइडल एक्शन सेकेंड एक्शन होता है कि ये न्यूरो की तरह भी काम करते हैं मेनली एनएनओएस से बनने वाला नाइट्रिक ऑक्साइड बेसोडाइलेशन का भी काम करते हैं मेनली ई एनओ से बनने वाला नाइट्रिक ऑक्साइड स्मूथ मसल रिलैक्सेशन का भी काम करते हैं और प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम करने का भी काम करते हैं तो ये मेन पांच फंक्शन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेप ऑफ द माइक्रोबियल किलिंग दैट इज बाई लाइजोजोमल एंजाइम्स लाइजोजोमल एंजाइम्स से किलिंग देखने के लिए हम लोग देखते हैं कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं जो कि नॉर्मल फैगोसाइड्स होते हैं उनके अंदर मेनली टू टाइप्स के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लार्जर एजेोफेलिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग प्राइमरी ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं और स्मॉलर स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं जो लार्जर एजेफिलिक ग्रेन्यूल्स या फिर प्राइमरी ग्रेन्यूल्स होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होता है माइलोपरॉक्सीडेस बैक्टेरियसाइडल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं लाइक लाइजोजाइम डिफेंसिस डिफेंस और एसिड हाइड्रोलेजेस या फिर एसिड प्रोटीजे एनजाइम्स प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रल प्रोटीजेज एनजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइक इलास्टेज कैथेप्सिन जी कोलेजिनेस और प्रोटीनेस थ्री जबकि स्मॉल स्पेसिफिक ग्रेन्यूल जो कि सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट एंजाइम्स होते हैं लाइजोजाइम्स कोलेजिनीस जिलेटिनीस लेटोफेरिन प्लाजमिनोजन एक्टिवेटर हिस्टामिज और एल्क्लाइन फोस्फेटिस अब इसमें से कुछ एंजाइम्स को हम लोग थोड़े डिटेल में डिस्कस करते हैं लाइक लाइजोजाइम्स ये लाइजोजाइम्स सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और प्राइमरी ग्रेन्यूल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं ये लाइजोजाइम जो होते हैं वो बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होने वाले म्यूरमिक एसिड एनेसेटिक ग्लूकोजेमाइन को हाइड्रोलाइज करने का काम करते हैं और फाइनली बैक्टीरियल सेल वॉल का जट इस बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है सेकेंड एसिड प्रोटीएजेस या फिर एसिड हाइड्रोलेजेस ये एसिड प्रोटीएजेस जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं ये एक हाइड्रोजन पंप जनरेट करने का काम करते हैं फैगोजोम से एसोसिएटेड तो फैगोजोम को ये एसोसिएटेड एक हाइड्रोजन पंप जनरेट करते हैं जिस वजह से फैगोसोम को एसिडिफाई किया जा सकता है इस पंप के थ्रू और जैसे ही फैगोसोम जिसके अंदर माइक्रोब प्रेजेंट है वो एसिडिफाई हो जाता है फिर उसका फिर फाइनली क्या हो जाता है डेथ हो जाता है उसके अंदर प्रेजेंट माइक्रोब का डेथ हो जाता है थर्ड जो होता है वो न्यूट्रल प्रोटीजेज होते हैं जिसके अंदर इलास्टिस आता है कोलाजिनीजेज आते हैं जिलेटिजेज आते हैं ये जो न्यूट्रल प्रोटीज़ेज़ होते हैं ये कैसे फंक्शन करते हैं तो ये एक्स्ट्रा सेलर में प्रेजेंट जो डिफरेंट सब्सटेंसेज होते हैं उनका डिग्रेडेशन करके ये फाइनली क्या कहते हैं ये फाइनली माइक्रोबिसटल एक्शन को परफॉर्म करते हैं This was all about this video if you like this video please hit the like button do subscribe our channel and press the bell icon to get notifications for more such videos if you want notes for following videos message me on my instagram handle link is given in the description below